أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم बसमिलीम कद अफला वसा सद्लीम अल्लाह की हमदसना उसकी तारीफ़ व तमजीद ज़िंदगी का अहम तरीन मक़द है इस मकसद को किसी भी लिहाज से हमें नहीं भूलना है हर आन उसकी याद उसके ज़िक्र उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद में ज़िंदगी को बसर करना है इब्तदा हम उसी के बाबरकत नाम से करते हैं और जिस हस्ती के सदक़े में कायनात खलक हुई और हमारा वजूद भी उसी के तुफ़ैल है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान मुतहर पर दुरुद सलाम भेजते हैं नाजरीन आपकी खिदमत में भी मोहब्बत भरा सलाम पेश करते हैं और आपका इस्तेबाल करते हैं प्रोग्राम तज् नफ्स में बारहा ये कह चुका हूँ कि इसको सिर्फ़ एक प्रोग्राम की हैसियत से ना मैं पेश करूँ ना आप उसको एक प्रोग्राम की हैसियत से देखें बल्कि एक तरबियत एक तमरीन और एक एक्सरसाइज़ है कि अपने नफ्स को हम किस तरह पा रखें और किस तरह नफ्स को पाक रखने की कोशिश करें दुनिया की आलूदगियाँ दुनिया की गंदगियाँ नज़ासतें, गुनाहों की शक्ल में इंसान के नफ्स को घेर लेती हैं और ये जब गुनाह इंसान के नफ्स पर गालिब आ जाते हैं तो इंसान नफ्स अमारा का शिकार हो जाता है और फिर उसकी हर हरकत अल्लाह की सरकशी नाफ़रमानी में तब्दील हो जाती है हमने गुफ्तु का आगाज़ किया था कि नफ़्स को किस तरह से पाक किया जाए तहारत नफसानी का जो मरहला है वो कहाँ से शुरू हो बहुत बड़ी गंदगी शिरक है कुफ्र है फिर उसके बाद निफाक है हमने इन तीन गंदगियों से नफ्स को पाक करने के बारे में तफसीली तौर पर बताया और चौथी गंदगी जो गुनाहों की जड़ कहलाती है बल्कि उम जनूब तमाम गुनाहों की माँ कहलाती है वो है झूठ जिसे अरबी में किदब कहते हैं फारसी में दुरोग कहते हैं इंग्लिश में टेलिंगलाई कहते हैं और उर्दू में झूठ कहते हैं झूठ एक ग़ैर हकीकी बयान को कहा जाता है चाहे वो लिख कर हो चाहे वो ज़बानी हो चाहे वो इशारे के ज़रिए से हो हमने बताया कि झूठ इंसान क्यों बोलता है कई उसकी बुनियादी वजूहत हैं पहली वजह ये कि इंसान डरता है बच्चे भी हैं तो इसलिए झूठ बोलते हैं कि माँ बाप का उन पर दबाव होता है या टीचर्स का उन पर एक खौफ और रौब तारी हो जाता है जिसकी वजह से वो झूठ बोलने पर मजबूर होते हैं यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो खौफ आ, किसी के आ, अजाब का या पनिशमेंट का या सज़ा का नहीं बल्कि खौफ इस बात का होता है कि कहीं वो आ, सच बोलेंगे तो रुसवा ना हो जाए लोगों में इज़्ज़त मेरी कम ना हो जाए मैं अगर सच बोल दूँ तो मुमकिन है कि मेरी पोजीशन डैमेज हो जाए तो वो खौफ बहरहाल दूसरे फॉर्म में आ जाता है और बड़े लोग जो है वो इस तरह झूठ बोलते हैं या फिर झूठ इसलिए इंसान बोलता है कि उसे कोई फ़ायदा झूठ बोलने में नज़र आता है मादी फ़ायदा मामूली किसी एक दुनियावी फ़ायदे को वो देखता है कि ये मैं झूठ बोलूँगा ही तो हासिल होती है वो फ़ायदा हासिल होता है वो झूठ बोलता है तीसरा सबब झूठ बोलने का ये कि किसी से उसकी दुश्मनी है दुश्मनी जब किसी से हो जाती है तो दुश्मनी में इंसान अंधा हो जाता है जिस तरह से दोस्ती में भी इंसान अंधा हो जाता है किसी के साथ दोस्ती भी करे तो इंसान एक्सट्रीमली उस दोस्त की किसी भी ख़ता को देख नहीं पाता है उसको सरापा वो नेक ही नज़र आता है दोस्ती जो हो गई है और अगर दुश्मनी हो जाती है तो फिर सरापा उसके अंदर बुराई नज़र आती है खामियां नज़र आती हैं इंसान इस तरह है अंधा हो जाता है ना दोस्ती इंसान को किसी की हमें अल्लाह की इतात पर क़ायम रख सकती है ना किसी की दुश्मनी हमें अल्लाह की इतात पर बाकी रख सकती है क्योंकि इन दोनों में एक ख़तरा तो है कि हम अंधे हो जाएं और हकीक़त से दूर हो जाएं तो झूठ इसलिए बोलता है इंसान के किसी से दुश्मनी हो गई है तो अब उसकी हर बात जो है ना हमें घुमा के मनफी तौर पर ही बयान करनी है जब यही होता है तो फिर वो झूठ बोलता है या फिर किसी से हसद हो गया है हसद जिससे हो जाता है उसकी कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती नतीजे में उससे हसद के इजहार के तौर पर जो भी बात होगी उसको हम झूठी या करेंगे या झूठ उसको बना के उसके खिलाफ बातें करेंगे चौथा सबब झूठ बोलने का ये भी है कि इंसान अपनी कमज़ोरियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल दे बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं एहसास कमतरी में मुबतला हो चुका है और एहसास कमतरी में मुबतला होने का जो असर है वो ये है कि वो अपने आप को उस एहसास कमतरी से बाहर निकालने के लिए झूठ का सहारा ले किसी काम को जो उसने किया नहीं है अपनी तरफ मनसूब करके कहें कि पता है वो, वो काम मैंने किया है ताकि लोग समझें कि ये भी काफ़ी मतलब केपेबल और सलाहियत वाला है जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है मैंने गुजशत प्रोग्राम में तकरीबन कुछ बातों पर गुफ्तु की थी आज मैं सिर्फ चंद बातों का खुलासा ही बयान करने लगा हूं। और आज जो आपकी खिदमत में मौजू जो पेश करने जा रहा हूँ उस पर आप तवज्जो दें मौजू है कि चलिए बच्चे भी और बड़े भी झूठ बोलने लगे अक्सर तो आजकल झूठ बोलने को एक मामूली सी चीज़ समझते हैं और बाज़ लोग तो इसको स्मार्टनेस का नाम देते हैं बहुत होशियारी जो है वो उसकी है कि जो झूठ बोले झूठ ऐसा बोले कि वो सच लगने लगे ये इतना झूठ बोले कि लोग उसको सच मानने लग जाएं बहुत सारे मज़ाहिब झूठ पर मबनी हैं क्या करें हम किस किस चीज़ का पर्दाफाश करें हम अपनी असलाह की तरफ लौट कर नफ्स में आज ये बताना चाहते हैं कि झूठ जैसी बीमारी अगर किसी को लग गई है और ख़ुदा खास्ता वो उसकी आदत बन गई है चुनाचे झूठ बोलने से इंसान के जो है वो आदत आहिस्ता आस्ता इतनी ख़राब और बिगड़ जाती है कि उससे सच बोलने की उम्मीद जो है वो कम रहती है मैंने झूठ बोलने के जो असरात और जो ख़तरनाक उसके जो असरात मुरतब होते हैं उस पर भी गुफ्तु की थी गुजशत प्रोग्राम में आज मैं उसके इलाज की तरफ आना चाहता हूँ ख़ाली बीमारी को हम डिस्क्लोज करें और बीमारी के बाद उसका इलाज ना बताएं तो फिर ये होगा कि लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाएं बीमार और भी ज़्यादा परेशान हो जाए कि बीमारी का तो उसे सब कुछ नुकसान और असरात बता दिए गए लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया इलाज क्या है झूठ अगर बच्चे बोलते हैं तो उसका एक अलग इलाज है और अगर बड़े लोग बोलते हैं तो उसका अलग इलाज है अगर बच्चे झूठ बोलते हैं तो उनका क्या इलाज है देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे कहाँ से उन्होंने झूठ को पिक किया मुमकिन है कि बच्चे अक्सर बल्कि 90% परसेंट यही होता है बल्कि एक सर्वे के मुताबिक सेवेंटी परसेंट बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ बाप से खौफज़दा होकर डर के झूठ बोलते हैं तो जब यह बात है तो कोशिश करें कि माँ बाप का जो खौफ उनके दिलो दिमाग पर है पहले उसको रिड्यूस करें कम करें बल्कि उसको ख़त्म कर दें ताकि वो सच बोलने की हिम्मत जुटा सकें जुरत पैदा कर सकें जब वो हिम्मत करेंगे सच बोलने की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सच्चाई की तरफ आएंगे ये एक इलाज है दूसरा इलाज ये कि मुमकिन है कि जो झूठ बोलते हैं बच्चे वो डर की वजह से नहीं चूँकि माहौल उनके घर का ऐसे ही है कि माँ बाप जो है छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं और बच्चे नोट करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो चाहें या ना चाहें वो उनके अंदर भी बीमारी सरायत कर जाती है और वो भी उसी तरह झूठ बोलने लगते हैं तो इसका इलाज क्या है इसका इलाज ये कि जिस माहौल में वो बच्चा रहता है वहाँ के अफराद सच बोलना शुरू करें जिस तरह से झूठों के दरमियान रह करके कोई बच्चा झूठा बन जाता है उसी तरह जब सच्चाइयों के सच्चा सच्चे लोगों के दरमियान होगा तो वो भी सच्चाई की तरफ आता है तोज्जो से सुनिएगा मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ इसे कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे और गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों को एक एक करके डिस्कस करूँ यह तो दूसरा तरीका है कि बच्चों को झूठ से बचाया जाए कि माँ बाप अगर सच बोलना शुरू कर दें और सच्चाई की अहमियत को ज़्यादा ज़्यादा उजागर करें तो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता सच बोलने को ही ज़्यादा तरजीह देंगे अब आइए बड़े लोग अगर हम जैसे लोग मेचोर लोग झूठ बोलने लगे हैं और बाज लोगों की तो आदत बन गई है कभी कभी जो झूठ बोलते हैं उनके लिए तो आसान है कि आप उनको डराएँ अल्लाह से और खौफ खुदा दिलाएँ या खुद को अपने उन हदीसों से आशना करें उन आयतों से आशना करें कि बदबू निकलती है जब झूठ बोलता है इंसान आसमानों तक वो बदबू जाती है फ़रिश्ते उस बदबू को सुनते हैं और सूंघते हैं और उसके बाद बदुवा करते हैं झूठे के हक़ में लानत होती है झूठों पर ये सारे जितने भी अजाब और जितने भी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बैड कॉन्सिक्वेंस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इन सब चीज़ पर अगर तोजो दी जाए तो हम झूठ जो है ना रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन जिनकी आदत हो जाती है झूठ बोलना जिनकी आदत बन जाती है झूठ बोलना इनके लिए क्या है इलाज क्या है क्योंकि आदत का दुरुस्त हो जाना किसी मौजूदे से कम नहीं है और खासकर 40 साल कि जिनकी एज हो चुकी है चालीस साल के बाद अगर चालीस साल के पहले की किसी आदत को इंसान ने अडॉप्ट कर लिया है और वो एडिक्टेड हो गया है हैबिट से अब एडिक एडिक्शन की तरफ आ गया है। एक किस्म की ए, उसकी फितरत के अंदर वो आदत जो है वो घुस गई है जिसे सानी कह लीजिए गलत है लेकिन वो बहरहाल उसके एडिक्शन में यह बात आ गई है तो फिर ऐसे मरहले में आदत का बदलना बहुत मुश्किल काम होता है फिर मैं अर्ज़ करूं कि 40 साल से कम के लिए गुंजाइश है कि अपनी आदत आसानी से वो बदलें नुस्खा वही है लेकिन एक नुस्ख़ा है कि जो 40 साल के नीचे वालों के लिए है जिसका यकीनन मुसबत असर बहुत जल्द ज़ाहिर होगा और मुश्किल नहीं है इस बीमारी का इलाज करना झूठ का यकीन इंसान जब झूठ बोलता है तो अपने और अपने खुदा के दरमियान बाद में शायद किसी जगह पर उसके दिल के किसी कोने में पेशेमान भी होता है लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से नजात पाना है तो उसे क्या करना चाहिए नुस्खा एक ही है लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि चालीस साल से पहले वाले हैं तो उसको अगर अपनाएँ और उसको अप्लाई करें तो आहिस्ता 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 आसानी आह के साथ वो झूठ को तर्क कर सकेंगे जबकि 40 साल के बाद उम्र के 40 साल के गुजर जाने के बाद जो एडिक्टेड झूठे हैं जो झूठ बोलने में बहरहाल अजीब गरीब सानी उनकी बन गई है ऐसे लोगों के लिए वो नुस्खा वही है लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि उनका इस मामले में इलाज हो नुस्खा क्या है तवज्जो से सुनिएगा और इस तवज्जो के साथ सुनने का उम्मीद है कि फ़ायदा हकीर को भी हो और आपको भी हो इंसान अगर कोशिश करे कि आदत को अपने झूठ बोलने की आदत को ख़त्म करने के लिए खामोशी को तरजीह दे अपने कलाम और अपनी गुफ्तगु को बहुत रिड्यूस कर दे इतना कम कर दे कि ज़रूरत पड़े तो ज़बान खोले और ज़रूरत ना पड़े तो बिल्कुल ही ज़बान अपनी बंद रखे क्योंकि झूठ का जो सरचश्मा है ये ज़बान है हम जितना चलाएंगे इसको इतने ही ये झूठे जुमले झूठी बातें करने लगेगी ये ज़बान आदत हो गई है झूठ बोलने की तो उसको इस तरह कंट्रोल करें ज़बान को कंट्रोल करना कम से कम गुफ्तु करना जब तक कि ज़रूरत ना पड़े गुफ्तगू की तरफ नहीं जाना अपने आप के साथ ये वादा करें कि मैं कोशिश कि कम से कम साथ ही साथ लगातार कोशिश करे कि झूठ बोलने के मनफी असरात अजाब सज़ा इन सब बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनता रहे पढ़ता रहे और उस पर तवज्जो देता रहे ताकि नफ्स को अंदर के वो कुचल सके कि देखो तुम झूठ बोलते हो तुम कितने बड़े पापी और कितने बड़े गुनहगार हो अल्लाह के नज़दीक और अगर अल्लाह ज़ाहिर कर दे तुम्हारे झूठ सारे जितने हैं तो तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं रह जाएगी तुम तो दुनिया और आखिरत दोनों में मारे जाओगे ख़त्म हो जाओगे तुम्हारी हैसियत ख़त्म हो जाएगी तो ये इस तरह अपने अंदर ख़ुद ही तलकिन करे अपने आप को ख़ुद इस बात की तरफ जो है मुतव रखे ये दो नुस्खे हो गए तीसरा नुस्खा जो है वो ये जो मरहले हैं सारे एक साथ इनको अप्लाई करना है पहला मरहला कि ज़बान को कंट्रोल करें कम से कम गुफ्तु करें दूसरा मरहला ये कि आ, उसके जो अवाकब हैं उसके जो अंजाम है बुरा अंजाम, उस पर कड़ी नज़र रखे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुताल करें और सुने ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा जो काम है बहुत ही पुर असर है यादीना मनत वकूनों मददीन ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ अगर यह आयत मासूमीन के साथ होने की और अहिल की ए, उस पैरवी की तरफ हमें मतव कर रही है लेकिन इसको अगर आम मानों में लें तो भी ये बड़ी मुफीद आयत है कि हम क्या करें सच्चों के साथ उठना बैठना अपना ज़्यादा करें और झूठे लोगों से हमारा रिश्ता नाता तोड़ लें ये इलाज होगा अगर हम 40 साल के अंदर होंगे तो जल्दी इस नुस्खे का असर होगा और हम झूठ से छुटकारा पा लेंगे और अगर और अगर ख़ुदा नखास्ता हम आदत में इतने ज़्यादा झूठे 40 साल के बाद रहे हैं और चाहते हैं कि इस झूठ जैसी बीमारी से नजात हासिल करें तो हमें इन्हीं नुस्खों को अपनाना है पहले मरहले में जबान को बंद रखना है कोशिश करना कि कम से कम गुफ्तु करें दूसरे मरहले में अजाब जो झूठ बोलने का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने पढ़ें देखें और तीसरी चीज़ जो है वो सच्चे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है कि वो मरने से पहले वाक भी इस गुनाह से नजात पा ले अगर ये गुना झूठ कंट्रोल में आ गया तो बहुत सारे हमारे और भी जो गुना हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे हमारे अंदर बहुत सारी और भी बीमारियां होंगी लेकिन सब बीमारियों का इलाज इसमें है कि हमने झूठ को कंट्रोल कर लिया एक लतीफ़ वाक़ा सुना करके मैं फिर आपकी कॉल्स के लेने की तरफ आऊंगा तोजह से सुनिए एक शख्स जो बहुत ज़्यादा गुनाह करता था वो जिना करता था जुआ खेलता था शराब पीता था और साथ साथ झूठ भी बहुत बोलता था हुजूर अकरम सल्ह वाल वसल्लम के अहाब में से इसका शुमार होता है हुजूर के ज़माने का सहाबी है तो हुजूर की खिदमत पे हाज़िर होता है या रसूल अल्लाह में वाकई नेक बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ क्या करूँ सल्लल्लाहु अक्रम सल्ह अलैहि वसल्लम ने उस साहबी से कहा कि ऐसा करो कि तुम झूठ बोलना बंद करो झूठ को कोशिश करो काबू कर लो तुमसे झूठ ना बोला जाए मतलब उसने इस दिल में सोचा कि इसका मतलब हुजूर ने बाकी गुनाहों की छूट दे रखी है जाता है कहता है चलो झूठ नहीं बोलना है ना बाकी तो काम वैसे कर सकता हूँ एक बुराई की तरफ जाता है जुआ फौरन दिल में ख्याल आता है कि मैं जुआ तो खेल लूं बाद में चल के शराब भी पी लूं और फिर जाके जेना भी करूं कल मैं हुजूर की खिदमत में जाऊंगा और हुजूर ने मुझसे पूछ लिया कि बताओ कल तुमने क्या क्या किया तो मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैंने हद कर लिया कि झूठ नहीं बोलूंगा और अगर सच बोलूंगा तो फिर मेरा क्या होगा साहबा के दरमियान मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी कितनी बड़ी रसवाई होगी बेहतर है कि आज मैं जुआ भी ना खेलने जाऊँ कि कल जाऊँ तो मेरी शर्मिंदगी का वो सबब ना बने सुरख रू हूँ इसी तरह दूसरे गुनाह की तरफ गया यही उसको ख़याल आया आहिस्ता आहस्ता आहिस्ता उसके दूसरे गुनाह भी उससे छूटते गए और वो नेक से नेक तर होता चला गया तरबियत की है रोज़ रसूल अक्रम सम ने इस मकतब में तरबियत के मराहल बताए गए हैं अगर इंसान वाक भी झूठ को एक काबू में कर ले और सच्चा बन जाए और सच्चाई से काम लेने लग जाए बाकी गुनाह भी आहिस्ता आहिस्ता उसके कम होते चले जाएंगे क्योंकि यही गुनाहों की जड़ है जिसे झूठ कहा जाता है पहले कॉलर को हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं अगर कॉलर्स हैं तो मैं अभी से कॉल्स को शामिल करने के लिए तैयार हूँ ये मौजू आम है जवान भी बच्चे भी औरतें भी मर्द भी सब भी कहीं ना कहीं इस बीमारी में इस मरज़ में मुबतला हो ही जाते हैं झूठ बोलना ये नहीं है कि इंसान बिल्कुल ही सच्चा हो जाता है और कोई कहे ना कि मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोलता तो वो खुद बहुत बड़ा झूठ हो जाता है उसके लिए पहले कॉलों को कर शामिल करता हूँ असलम मदद मौला अली मदद कौन मेरे भाई हैं जी किबला जहिर अब्बास बोल रहा जहीर आ, है माशा जहिर अब्बास रेडफोर्ट से फरमाइए क्या रेडफोर्ट से माशा कि अच्छा प्रोग्राम आपका हो रहा है माशा और ऐसे प्रोग्रामों की जरूरत है जो आप प्रोग्राम दे रहे हैं झूठ पे किबला कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असद की वजह से झूठ बोलते हैं जी, जी। कि जैसे की आप मिसाल ले लेंगे आज कल रिश्ते का सिस्टम ऐसा है लोग पाकिस्तान शादियां करते हैं बेटियों बेटियाँ की लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जूठे निज़ाम लगा देते हैं कि लड़का ऐसा है लड़की वैसी है तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए तो किबला ऐसे जूठो का क्या मकाम है कि जो असद की वजह से झूठ बोलते हैं कोई वहां से यहाँ आ जाएगा अपना फ्यूचर बनाएगा और ऐसे झूठे के लिए क्या सजा है क्या उस पर लान करनी चाहिए बिल्कुल बहुत मेहरबानी अगले कॉल को भी शामिल करते हैं देखते उनका क्या सवाल है जी असला कौन मेरे भाई कहां से से. से. हैं? मैं बात कर रहा हूं, स्पेन से. स्पेन से फरमाइए क्या सवाल है आपका सवाल ये करना है कि कोई इस किस्म का झूठ जिससे आपको जॉब मिल रही हो नौकरी मिल रही हो और इसके हलाल की आहा. तो क्या वो जायज है यानी किसी को नुकसान भी नहीं दे रहा है और आपको उससे जिसकी हलाल की नौकरी मिल रही है तो क्या वो जायज़ है या झूठ खैर किसी किस्म को जायज लेकिन हो हो सकता है उसकी तो ठीक है मैंने नोट कर लिया आपके सवाल का जवाब दूंगा आप देखते रहिएगा आमिर भाई अल्लाह आपको जज़ाय ख़ैर दे आपने फ़ोन किया सवाल किया और ये मुबतला भी मसायल है वाकया भी अक्सर ऐसा होता है और ये इसको बाज़ लोग तो इसको इतना इजी लेते हैं कहते हैं कि चलें एक हलाल रोज़ी का तो सामान मुहैया हो रहा है इसमें करके एक झूठ बोल दें तो क्या है लेकिन इन हम इस पर बात करेंगे अगले कॉल को शामिल करते हैं असल वरहमल्ला वालेकमल वरम उसके बलाजी साहब मखसूस है जिंदगी अच्छा यूँ ब्राइं नेकू बत है अल्लाह तौफी दे के हम बुराइयों से बैठे रहे सवाल यह है कि जिंदगी की किसी न किसी स्टेज um, में हमें थोड़ा बहुत कहीं गलत बयानी से काम लिया होता है अल्लाह वहाँ फरमाए लेकिन क्या झूठ इंसान को मुनाफक बना देता है जो जो आदमी के दिल में बात होती है वो नहीं कहता है तो क्या इससे निफाक पैदा होता है और वो एक और दूसरा उससे बहुत बड़ा मुनाफा हो जाता है एक छोटा सा सवाल और भी है आपके मौजू से मुतल नहीं आज कल लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे मौके पर तो पूछ लिया जाए तो मेहरबानी होगी आपकीबाब गुसले जुमा जो है उसकी मुस्ताबुन है की उसका जुमा के दिन से ताल्लक है या जुमा की नमाज से ताल्लक है बार दफा बस किसी चीज से आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता है ठीक है या कहीं जुमा नहीं हो रहा है लेकिन उस रोज भी इस वैसा ही है जैसे जुमा बहुत मेहरबानी ठीक, ठीक है, है। जजाकल बहुत बहुत शुक्रिया अगले कॉल को भी शामिल करते हैं असलामकुम वह असलकुम वहमतुल्ल

और सचू के साथ हो जाए, जाए। जो आदमी सचू के साथ नहीं होता झूठ बोलता रहता है तो वो शतान के आत में से ये एक आदत है कि झूठ से वो हर काम लेता है और इससे कर बर्बाद हो जाते हैं मुसलमानों को ये चाहिए कि झूठ बोलना गुनाह है और इससे पहले ये मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तला के, के नबी ने हमको सिंचाई के साथ का तरीका बताया है, के है के और और आपको से लो इसी के साथ, और आपको से जाँ इसी जाँ के साथ मैं का भी देता हूं। साथ लंदन से आपको सलामत रखे अगले कॉल को शामिल करते हैं देखते हैं उनका क्या सवाल है असला अच्छा चलिए Uh, मैं मज़ीद कुछ एक दो कॉल ले सकूँगा अभी टाइम हमारे पास है uh, जब तक कि कॉल्स नहीं आती मैं एक और अहम uh, मौजू को मैं अगले हफ़्ते शुरू करने जा रहा हूँ इसी uh, मौजू को के एक होता है झूठ बोलना एक होता है झुठलाना कि कभी कभी इंसान झूठ की खराबी को बजाय इसके के, के खुद समझे वो दूसरों पे थोपता है कहता है कि तुम झूठ बोलते हो यानी तुम्हारी सच्ची बात झूठी है ये साबित करने की कोशिश करता है इसको कहते हैं झुटलाना उर्दू में झूठ बोलना और उसके बाद ये दूसरी वाली बीमारी जो पहली से ज़्यादा ख़तरनाक है झूठलाना किसी सच्चे इंसान को किसी शरीफ इंसान को झूठ की नस्बत देना ये झूठलाना जो है अरबी में किदब कहते हैं झूठ बोलने को तकजीब कहते हैं झुठलाने को एक होता है झूठ बोलना एक होता है तकदीब करना झुठलाना कि नहीं ये बात आ, सही नहीं है जो की जा रही है एक सच्ची बात को वो कह रहा है झूठी है झूठ बोल रहे हैं तो ये इस पर भी इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे हम अगले कॉल को भी शामिल करते हैं, देखते हैं उनका क्या सवाल है असला फरमाइए मेरी आवाज आ रही है आप बिल्कुल आ रही है फरमाइए फरमाइए फरमाता है वो मासूम है उनसे और इमाम जो है अल्लाह की तरफ से मनसूस अल्लाह लोग हैं या कोई ऐसे हदायत वाले लोग अल्लाह ने जिन पर खास कर्म किया उनके अलावा दुनिया में हर किस्म के लोग रहते हैं और मतलब कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी सभी झूठ बोलते हैं तो क्या वो लानत जो है वो हर किस्म के झूठे पर है या को वो झूठ कोई किसी खास किस्म का झूठ है जिसके लिए लानत करार दी गई जैसे कि मेरी जो अक्र में है उससे आपसे इसफादा करना चाहता हूँ कि नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में अल्लाह ने कहा कि झूठों पर हम लानत करेंगे रसुल्लाम से तो वो झूठ बांध रहे थे अल्लाह पर और ऐसे ही अल्लाह कहता है कि जो अल्लाह अल्ला अपने मुकाबले में रोजमर्रा में झूठ तो रोज बोला जाता है पर भी लानत आती है ठीक है बहुत उमदा सवाल है इनशाला सवाल का मैं जवाब दूंगा वाकई भी इस जगह पर इस सवाल की गुंजाइश जरूर थी बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया अगले कॉल को देखते हैं जी अल्लाह हाफिज अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी अलैक्म अस्सलाम कौन मेरे भाई कहां से हैं कहाजी नकवी बोल रहा हूँ लंदन से जनाब ताजीम नफी सा फरमाया बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे एक तो अभी याकूब साहब ने फरमाया कि झूठ से घर बर्बाद हो जाते हैं मेरा इस सवाल इससे उलट है कि अगर उस सूरत में कि सच से अगर किसी का घर बर्बाद होने का अंदेशा हो मिसाल के तौर पर मैं अपने दोस्त को जानता हूँ अगर वो किसी ऐसी चीज में, में मुबतला है अगर उसकी बीवी को बता दिया जाए तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा और मेरी नीयत यह है कि मैं इसको दोस्त को आहिस्ता आहस्ता समझाऊंगा कि ये गलत है और इसको छोड़ दिया जाए और उम्मीद है कि ये छोड़ देगा तो मैं उस वो सच नहीं बता रहा तो उस सूरत में क्या गुनाह का मुर्तकिब होंगे मैं या नहीं ठीक है दूसरी बात ये पूछनी थी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी का रिश्ता जाता है कहीं और लड़के के बारे में मुझसे कोई पूछता है या लड़की के बारे में पूछता है उस सूरत में अभी रिश्ता हुआ नहीं है तो और मैं कुछ ऐसी चीजें जानता हूं जिसकी बिना पर हो सकता है रिश्ता ना हो तो वो मुझे छुपाना चाहिए या बताना चाहिए इस पे जरा प्लीज रोशनी हम्म ठीक है बहुत उम्दा है अल्लाह आपको सलामत रखे बहुत उम्दा सवाल है दोनों हम अगले कॉल को शामिल करते हैं मजीद और दो चार कॉल्स लेंगे फिर जवाब उनके तरफ भी आएंगे जी रहमतुल्लाह असला वरम बोलिएगा भी जनाब हेलो अलैक वाले बोलिए बात कर रहे हैं बिलकुल आप हिदायत टीवी पर हैं और आपको पूरी दुनिया सुन रही है आप अपना नाम बताइएगा जी इस में सैदी बात कराह नारवे से, से फरमाइए आवाज बहुत ही कम आ रही है आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है सवाल कर लीजिए जल्दी सवाल ये है कि मैं मौलाना साहब से ये टॉपिक के मुताबिक तो नहीं है इससे कुछ हट हट के है। लेकिन मैं सवाल करना चाह रहा था मौलाना साहब बिल्कुल अभी आप करें मौलाना साहब से ही बात कर रहे हैं जी सलाम वरम फरमाइए जी जी मेरा सवाल यह है कि ये जो जो इमाम के से रखते जी। जिस तरह कोई अपने आप तो कोई इनमें कोई बुनियादी फर्क है या नहीं ठीक है ठीक है बहुत उमदा सवाल है आपके सवाल का भी जवाब देंगे लेकिन मौजू से इसका फिलहाल ताल्लुक नहीं है असलाकुम असल कौन मेरे भाई कहा से

उनकी मकफ़रत फरमाए उनके हर गुना सवेरा कबीरा को माँ फरमाए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने फोन किया दुआ सब करेंगे हम भी करेंगे इन एक मोमिन के लिए मगफ़िरत की दुआ करना खुद हमारी अपनी मकफिरत का सामान मुहैया करने के बराबर है अगले कॉल को शामिल करते हैं असला मौलाना साहब अली हसन बोल रहा हूँ अली हसन साहब जी मोलाना साहब मैं मेरा जो लंडन से बात कर रहा हूँ मेरा जो यहाँ वास्ता पड़ा है वो नाइन्टी नाइन परसेंट हमारे लोग झूठ बोल के सोशल खा रहे हैं या झूठ बोल के तलाक शो करके अलग अलग रह के और काम भी करते हैं और इस तरह हर यानी कि मैंने तो नाइनटी नाइन परसेंट लोगों को देखा झूठ बोले इसके बारे में पूछना ये क्या है जाए इनकी औलाद पे असर होता है नहीं होता है? या ऐसे मालकान भी हैं जो हाफिज हैं आजी है शराब का काम कर रहे हैं शराब की दुकानें और ऐसे भी मालिक हैं जो सिर्फ दो दो पौंड काम लोगों को देते हैं पर घंटा जो कि रेट छह पौन घंटे का और ये सब छूट बोलते हैं ए टू जेड मेरा ख्याल है इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ बस इतना चलिए अच्छा। हम बात करते हैं ज्यादा आप मायूस हो गए हैं और यकीनन किसी हद तक सच्चाई उसमें है अगले कॉल को शामिल करते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम जी कौन मेरे भाई कहाँ से हैं जी मैं सैयद बोल रहा हूँ लुटन से सैयद साहब लुता से क्या सवाल आप करना चाहते हैं आ, मेरा एक सवाल है साहब कुछ अर्सा पहले मुझे गैर मुस्लिम के कुछ मेरी गाड़ी में पैसे गिर गए थे हुँ. तो काफी अर्सा मैं उसको तलाश करता रहा लेकिन वो नहीं मिल सका तो अब बात यह कि वो गैर मुस्लिम था मुझे क्या करना चाहिए वो पैसे किसको दू क्या करूँ ठीक है ठीक है अल्लाह बहुत उम्दा सवाल है इसका जवाब भी हम देंगे अगरचि मौजू से मुतालिक नहीं है जी नाजरीन हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होकर के जो सवाल आ गए हैं उनके जवाब पेश करते हैं जो लोग सवाल कर चुके हैं उम्मीद है कि वो इस वक्त बैठ कर के अपने जवाब का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जवाब क्या मिलने वाला है उनका ज़हीर अब्बास साहब ब्रेडफोर्ड से सवाल किया कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं हसद की वजह से तो क्या सज़ा है उनकी क्या हम उन पर लानत कर सकते हैं देखिए हम लानत नहीं कर सकते अगर कोई मोमिन और मोमिना है सिर्फ़ इस बात पर कि उसने कोई झूठ बोला है अगर हम हम ख़ुद सज़ा देने लग जाएँ तो फिर हमारे झूठ बोलने पर जो सज़ा होगी वो अल्लाह की जानब से सख्त होगी बजाय इसके कि हम किसी पर लानत करें उसकी असलाह करने की कोशिश करें अगर मुमकिन हुआ असलाह करें नहीं तो असलाह की दुआ करें और ऐसे लोगों से मामलात अपने कम करें कम से कम यह कि एक आदमी अगर गलत काम करता है झूठ बोलता है तो उसके साथ अपने जो दोस्ताना ताल्लक हैं उसको कम कर दें क्योंकि भाई हम ऐसे लोगों के साथ चलेंगे तो खामखा अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे वरना सज़ा देना अल्लाह का काम है और हम ऐसे काम को अंजाम ना दें ना किसी पर लानत करें इसी तरह पूछा आपने कि उसका झूठे का क्या अजाब होगा क्या सज़ा होगी यकीन सज़ा उसकी शदीद है लेकिन देखिए झूठ भी इंसान जब बोलता है उसके बाद मुमकिन है कि उसी लम्हे वो पेशेमान भी हो जाए फिर वो अपने आप को करेक्ट करने के बारे में भी सोचे इसलिए हमें किसी की अंदर की हालत का पता नहीं होता एक चीज़ जो जाहिर है वो ये कि हाँ जी इसने झूठ बोला लेकिन क्या इस बात ही को हम इतनी ज़्यादा सज़ा के काबिल समझ के उसके साथ हमारा सब कुछ ख़त्म कर ले ऐसा भी नहीं है या फिर लानत करना शुरू कर दें ऐसा भी नहीं है यकीनन हमें झूठ से नफरत होनी चाहिए लेकिन झूठों से भी इस क़दर शुरू ही में इब्तदा ही में नफ़रत नहीं होनी चाहिए हाँ अगर लगातार कोई ऐसा है तो उससे आप परहेज़ करें गुरेज करें दूर रहें आमिर साहब स्पेन से अगर झूठ बोलने से एक हलाल की नौकरी मिल रही हो तो क्या इसी सूरत में झूठ बोला जा सकता है मेरे भाई झूठ बुनियाद है तमाम बुराइयों की तो झूठ के सहारे से कोई भी नौकरी हलाल कैसे हो जाती है हम जहरी तौर तो पर देख रहे लेकिन झूठ फ़र्ज़ करें उनको एक डिग्री होल्डर होल्डर आदमी चाहिए हमारे पास डिग्री नहीं है हमने एक जाली डिग्री बनाई है झूठी और कहा कि हम फलाम हसन बी ए हमने किया या हमने कोई डिग्री की है इस तरह फरेब और धोखा देना और झूठ बोलना जो है वो किसी सूरत में जायज़ नहीं है सच बोलने वालों की क़दर आज है ऐसी बात नहीं है कि नहीं है बाज़ लोग समझते हैं कि नहीं भाई सच बोलने वाले तो हमेशा पिटते रहे हैं इस दौर में भी सच बोलने वालों की कोई कदर नहीं है नहीं है लेकिन जो क़दर होगी उसमें बरकत भी बहुत ज़्यादा है चाहे वो कम से कम पैसे कमाने वाला हो लेकिन बाइज़्ज़त और बाबरकत ज़िंदगी गुजारेगा मकसूद हुसैन सै साहब ने बहुत उम्दा सवाल किया कि क्या झूठ बोलने से इंसान आहिस्ता आहिस्ता मुनाफिक भी बन जाता है एक मुनाफिक की अलामत झूठ बोलना भी है मैंने अर्ज़ किया था इससे पहले भी लेकिन मुनाफिक वो है कि जो तीनों अलामतों का सही मानों में अपने अंदर इकट्ठा रवैया रखता हो पहला है कि झूठ बोले इधर कलेमा, इधर तकल्लमा कदेमा जबान खोले झूठ बोले व इध वादा खलफा अगर वादा करे वादा खिलाफी करे वो मै ना ख़ाना और अगर कोई उस पर भरोसा करके अमानत दे अमानत दारी की उम्मीद रखे तो उसमें खियानत कर दे ये तीन अलामतों को मिला करके कोई मुनाफिक होता वो भी मुनाफिक असगर मुनाफिक अकबर वो कि जो अकायद में निफाक करे अल्लाह और उसके रसूल और अहिल को कहे के हम मानते हैं और अमल से दिल से दिमाग से उनको कुछ भी ना माने तो वो तो मुनाफिक अकबर है लेकिन मुनाफिक असबर है कि जो अमली ज़िंदगी में हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तीन काम करे तो वो भी मुनाफिक है लेकिन एक अमत उसकी झूठ है झूठ तो बुनियाद यकीन है और हकीकत भी यही है कि हम आहिस्ा आहिस्ा उस नफाक की तरफ बढ़ते हैं इसीलिए मैंने नफाक के बाद जो फ़ौर गुनाह पेश किया और जो अलामाए अखलाक ने पेश किया उसको झूठ ही को रखा है क्योंकि ये उसके बाद की सबसे ख़तरनाक बीमारी है उसके बाद आपने एक सवाल अगरचे आज के मौजू से नहीं था आज के दिन के साथ उसका ताल्लुक ज़रूर था गसल जुमा क्या जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए है या जुमा के दिन के लिए है जवाब इसका यह है कि फ्कहा के, के नज़दीक जुमा के दिन गसल करना मुस्तहब है नमाज आप पढ़ें अच्छी बात है नहीं पढ़ें तो भी गसल जुमा का जो सवाब है वो आपको मिलेगा इस्तेहबाब इसका सिर्फ नमाज के लिए नहीं है बल्कि जुमा के दिन के लिए है मोहम्मद याकूब साहब ने खूबसूरत गुफ्तु की अली जान साहब ने भी बहुत उम्दा सवाल किया कि एक तो होता है झूठों पर लानत अब झूठों पर लानत क्या ख़ास किसी मकाम पर झूठ बोलने से लानत होती है या फिर कभी कभी जो झूठ बोलता है और ऐसे तो अक्सर लोग कभी कभार झूठ बोल देते हैं तो क्या हर एक पर लानत होती है जवाब में अर्ज़ करूं कि लानत भी झूठ की तरह हल्की और सख्त हो सकती है लानत का मतलब है नफरीन यानी अल्लाह की फिटकार अल्लाह की तरफ से बेजारगी अल्लाह उसे उसको उससे बरात करता है अल्लाह उसे पसंद नहीं करता नापसंद करता है अब इस नापसंद के मराहिल हैं ये जैसे जैसे झूठ के असरात शदीद होते जाएंगे लानत भी उसकी शदीद होती चली जाएगी एक लानत है जो सिर्फ़ अल्लाह की नापसंदीदगी का पहला मामूली सा आ, असर ज़ाहिर करती है मसलन हदीस में आया है उन उन मलओन है वो शख्स के जो रात का खाना तनहा खाए मस्तब है कि इंसान किसी मेहमान के साथ अपने घर वालों के किसी के साथ बैठ के रात का खाना खाए अकेले ना खाए मुस्तैब है और मकर है कि अकेले खाए लेकिन काम के लिए भी लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मलओन है वो शख्स के जो रात को तनहा खाए मतलब क्या है कि अल्लाह को ये पसंद नहीं है नापसंदीदगी की है, हल्की सी मामूली सी तासीर है जो उसकी वजह से पैदा होती है तो इस लानत भी जैसे झूठ के असरात हों तो लानत भी शदीद मुबाहला में लानत जो काजिबों पर झूठों पर होने वाली थी वो इतनी ख़तरनाक थी कि उसका एहसास अहले नजरान को हो गया कि इनसे मुबाह ना करो कि ये ऐसे सच्चे हैं कि अगर ये हाथ उठा देना हमारे झूठ पर उसका असर ये होगा कि कयामत तक कोई भी ईसाई पैदा नहीं होगा नस्लें सारी ख़त्म हो जाएंगी इतना ख़तरनाक झूठ है इन सच्चों के मुकाबले में क्योंकि सच्चे इतने अजीम हैं कि उनके मुकाबले में झूठ भी शदीद हो गया शदीद इतना शदीद कि अगर वो मुबाहला कर देते तो झूठों पर जो लानत थी वो इस तरह थी कि कयामत तक के कोई भी एक भी इंसान ईसाई ना होता नस्लें सारी ख़त्म हो जाती फिर किसी और ने कहा वो है कि अगर इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ते हुए दिखाई देंगे सारी दुनिया को हिला के रख सकते हैं ये ये मकसूद खिलकत कायनात हैं कहने का मतलब यह है कि शाह साहब बहुत उमदा सवाल जवाब यह है कि लानत का भी ताल्लुक झूठ से और झूठ के असरात से जिसका जितना सख्त और ख़तरनाक झूठ होगा उतनी ही सख्त उस पर लानत होगी हल्का मामूली सा कभी कभार झूठ बोला है तो उसी हद तक अल्लाह को नापसंद है कि ये उस पर लानत है नाफरीन है लानत का मतलब नफरीन है फिटकार है अल्लाह की जानब से बेजारगी और उससे धुतकार है तो वो जो अल्लाह तआला की जानब से नापसंदगी का इज़हार होता है वो उस झूठ की तासीर की कैफियत के साथ उसका ताल्लुक है जिसका अभी मैं एक ऐसा झूठ बोलूं कि उसका नुकसान शायद किसी को ना हो लेकिन मैं ऐसा झूठ बोलूं कि जितनी दुनिया में इस वक्त मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनका अकीदा ही ख़राब हो जाए मेरे इस झूठ बोलने की वजह से या किसी का अमल ही जो है वो बरसों गलत हो जाए मेरे एक झूठ बोलने की वजह से अगर मैंने जानबूझ के कोई ऐसी बात कही कि जिससे लोगों का अमल क़यामत तक के लिए या कई नस्लों तक के लिए वो बदल गया ख़राब हो गया तो फिर शदीद है लानत भी शदीद है लेकिन ऐसा झूठ किसी की अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसले में अपने बारे में कोई ऐसा कि जिसका कोई ज़्यादा असर नहीं है तो वो जो लानत है ना उसी असर के मुताबिक हल्की होती है तो ये जो ताल्लुक़ है ना लानत का झूठ के साथ वो बिल्कुल उसके असरात के साथ उसका ताल्लुक है तंजीम नकवी साहब ने तज़ीम नकवी साहब ने भी बहुत खूबसूरत सवाल दो किए हैं कि कभी ऐसा होता है कि सच बोलने से घर बर्बाद हो जाता है तो क्या किया जाए मैं इन अगले प्रोग्राम में ये भी मौजू जेर बहस लेकर आऊँगा कि कहाँ कहाँ आपको झूठ बोलने की इजाज़त है और कहाँ कहाँ आपको झूठ बोलना चाहिए यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जो गुनाहान कबीरा में शुमार होने वाला गुनाहों की माँ बनने वाला गुनाह झूठ कभी कभी वाजिब हो जाता है जी हाँ कहीं कहीं वो झूठ जो है वो वाजिब होता है कहीं कहीं जायज़ हो जाता है कहीं कहीं वो बेहतर होता है और कहीं कहीं झूठ बोलने सच बोलने में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रह जाता है मुबा है और जब मुबा होता है तो जो सच्चे होते हैं वो तरजीह सच को देते हैं बहरहाल मराहल हैं उन पर मैं इंशाल्लाह शाला करूंगा करूँगा उनमें से एक मरहला यही है कि अगर आप कहीं सच बोल करके जिंदगियों को ख़राब करने चले हैं दो तो दोस्त हैं किसी वक्त किसी ने किसी से कुछ कहा था गिला किया था या उसके ख़िलाफ़ कोई बात की थी फिर वो आपस में मोहब्बत से रहने लगे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तीसरा आदमी आता है और वो आदमी इनकी दोस्ती को ख़राब करने के लिए वही इनमें से किसी एक की जो पुरानी बात है वो सच ही है वो सच बयान करता है इस सच से नफ़रतें पैदा हो जाती हैं लड़ाई हो जाती है तफ्रका पड़ जाता है तो ऐसे सच पर यकीनन अल्लाह की लाना था क्योंकि ये सच नहीं है चोगल खोरी है ये इफ्तराक बैन अमुमिन के मरहले में आता है ये एक घर को तबाह करने के ज़ुमरे में आता है ये खुद कातिल और ालिम की तरह होता है सच के जो सच की बात करके वो इस तरह तबाह कर देता है सिलसिले को यकीनन सच कहा कहना कुछ जगहों पे बिल्कुल मुनासिब नहीं होता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता मराहल हैं उसको इन हम आपकी खिदमत में बताएंगे और रिश्ते के सिलसिले में कोई मशवरा करता है आपसे आपको क्या करना चाहिए ऐबों के किसी के छुपाना चाहिए या फिर छुपाना नहीं चाहिए जवाब इसका क्या है जवाब यह कि मशवरा खुद क्या है इस पर आप तवज्जो देंगे मशवरा है एक अमानत एक इंसान आपके पास आता है आके कहता है कि आपसे मैं मशवरा लेता हूँ आपको अमीन समझ करके कि आप जो बात है उसमें खियानत नहीं करेंगे बल्कि मन मुझे बताएंगे मैं फ़लाँ घर से उस रिश्ते की बात के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उस लड़के के बारे में अगर कोई ख़राबी आप जानते हों चूँकि आप उसके करीब हैं दोस्त हैं अज़ीज़ हैं पड़ोसी हैं जो भी हैं आप जानते हैं अगर अमानत में खयानत करना हो तो वो क्या करेगा छुपा देगा और अगर अमानत में खयानत नहीं करना है, तो कहेगा देखिए चूँकि आपने मशवरा मुझसे मांगा है और पूछा है तो मैं उसकी ख़ूबियाँ भी बताऊँगा और उसकी कमियाँ भी बताऊँगा फ़ैसला आपके हाथ में आप ख़ुद कर लें तो जो अगर कमी है वो भी बताना चाहिए छुपाना नहीं चाहिए यहाँ पर आपको अमानत से काम लेना चाहिए क्योंकि मशवरा एक अमानत है यही वजह है कि मासूमी ने भी कभी दुश्मन ने भी मशवरा मांगा था तो अच्छा मशवरा दिया है जो अमानदारी के साथ उसमें किसी तरह की कोई दुश्मन की वजह से दुश्मनी की वजह से कि ये मेरा दुश्मन है गासिब है इसने मेरी जाहरी खिलाफत छीन ली है इसलिए मुझे मैं ऐसा मशवरा दूँ कि ये बिलक के रह जाए तबाह हो रह जाए बर्बाद हो रह जाए नहीं इमाम ने मशवरे दिए दुश्मन को भी तो बिल्कुल सही मशवरे दिए क्योंकि अमानदारी का तकाजा ये है कि दुश्मन भी हो तो मशवरे सही दो सैद अनवर शाह जैदी ने सवाल किया नार्वे से कि जो सादात जैन अबिदी आलतम की नस्ल से कहलाते हैं कुछ जैदी कहलाते हैं कुछ आबिदी कहलाते हैं तो इसमें कोई फ़र्क है जी हाँ इमाम जैनिदीन आलतम की भी औलाद है एक हज़रत जैद हैं जैद शहीद रिदवानल्ल के वो शहीद हुए उन्हें वक्त के जालिमों ने शहीद किया उनकी सुल्ब से हैं और कुछ हैं जो ख़ुद इमाम के दीगर औलाद से हैं जैद से नहीं है बल्कि इमाम की और औलाद थी हसैन असगर और एक हसैन अकबर अब ये दो दोसैन असगर हुसैन अकबर की जितनी औलाद है ना वो हुसैनी और आबिदी या आबिदी सादात कहलाते हैं लेकिन जो जैदी हैं वो फिर आ, इमाम जैन आबिदीन के बेटे जैद से जो जिनका सिलसिला चला है वो जैदी अपने आप को कहलाते हैं और जो जैदी होते हैं यकीनन वो आबिदी भी कहला सकते हैं लेकिन जो आबिदी हैं वो जैदी नहीं क्योंकि उनकी जो शाख है वो इमाम हज़रत जैद से नहीं है बल्कि हुसैन असगर हुसैन अकबर से है और आगे अगर हजरत मोहम्मद बालाद से हैं तो फिर वह कहलाएंगे क्योंकि इमाम मोहम्मद उनकी नस्बत हो जाती है तो फिर वो जैबुलआबिदीन का नाम नहीं बल्कि इमाम मोहम्मद बािर का नाम लेते हैं इसी तरह इमाम मोहम्मद बात फिर इमाम जाफर सादी की औलाद है तो वह जाफरी कहलाते हैं इस तरह ये असिलाहत हैं जो शजरतबा के अंदर पाए जाते हैं अंसर मनचस्टर से छोटा भाई जो है उनका फौत हो चुका है उनके हक में दुआ करें हमने दुआ की और अभी करेंगे इन रहमत में जगह नायत फरमाए उनकी मगफ़रत फरमाए और बरज़ की हर सख्ती को उनसे उठाए अली हसन लंदन से यहाँ पर बहुत सारे लोग उन्होंने 99 नाइन कहा मैं एहतियात करता हूँ कि ग़लत बयानी से कहीं इस जुमले के अंदर कोई ताल्लुक न जुड़ जाए मैं ये कहूँगा कि शायद बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इन मुल्कों में बेनिफिट्स के लिए झूठ बोलते हैं पैसों के लिए तलाक़ शो करते हैं मकान सप्रेशन सब गुना है सब हराम है और उन पैसों का इस्तेमाल हराम है उन पैसों से जो गोश्त बना वो हराम है खून बना जो हराम है औलाद बनी वो हराम है और हराम खोरी का जो असर है वो तो बहुत ज़्यादा है कम से कम असर है तीन एक अल्लाह उनसे अल्लाह की जो खशियत और तकवे की कैफियत है छीन लेता है दो रसूलुल्लाह और आले रसूल से मोहब्बत उनके दिलों में कम हो जाती है बल्कि जा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है तीन उनकी नस्लें बेबरकत हो जाती हैं बरकत अल्लाह तआला अल्ला उनसे छीन लेता है कम से कम नुकसान ये हराम खोरी का जो बाज़ लोग तरीक़े तरीके से झूठ बोल बोल के लोग पैसे लेते हैं चाहे हुकूमत से लें कहीं से लें गैर मुस्लिम हो कोई भी नहीं बाज़ लोगों को दिल के बहलाने के लिए ये अजीब व गरीब तस्वुर दे दिया गया कि चले हुकूमत कौन सी सही है लोग सब खाते हैं तो हम खा लें तो क्या हो गया कौन सी इस्लामी हुकूमत है कौन से अपने मुसलमान हैं नहीं चोरी चोरी होती है चाहे आप काफिर के घर से चुराएं या अपने किसी मोमिन मुसलमान के घर से चुराएं ये कोई बात हुई कि आप जो है अपने फेल को छोड़ कर के उनके काफिर होने और मुसलमान होने पर चले गए हैं कि काफिर है तो ठीक है मोमिन है तो गलत है ऐसा नहीं है गुनाह गुनाह होता है चोरी चोरी होती है झूठ झूठ होता है चाहे आप काफिर से कहें चाहे मुशरिक से कहें और क़यामत के दिन मुमकिन है कि किसी यहूदी से आपने एक पाउंड जबरदस्ती या जानबूझकर उससे गस्ब किया हो खा लिया हो तो वो एक पौंड की खातिर आपको सारे काम ठीक थे जन्नत में जाते जाते रोक दिया जाए और उस एक पौंड की खातिर जहन्न में आपको ले जाया जाए खतरनाक बात है किसी का माल हमें नहीं लेना चाहिए मेरे उस्ताद थे जवानी थी हमारी सोलह साल की एज थी मदरसे में जब गए थे कभी कभी क्लास में देर हो जाती थी तो घुसते थे जल्दी जल्दी तेज़ी से तो जूते उतारे और दूसरों की जूतियों पर बहरहाल पैर रखते हुए चले जाते थे बैठ जाते थे कि हम वक्त से वक्त से पहले पहुंच जाएं या वक्त पर पहुंच जाए एक दफ़ा उस्ताद ने हमसे अजीब गरीब सवाल किया कि तुम जिस तरह अंदर आए हो दूसरों की जूतियों पर तुमने पैर रखे किस हक़ से तुमने पैर रखे जो उन जूतियों के मालिक हैं साहिब हैं क्या उनसे तुमने इजाजत ली है नहीं तो फिर गसबी तौर पर नाजायज तसरुफ किया है और हम यहां समझते हैं कि हड़प करते चले जाओ गबन करते चले जाओ लूटते जाओ जहां से मिल जाए कहीं से भी आ जाए अल्लाह के बंदो डाकू नहीं बनो डाकू बनना नहीं चाहिए हमें किसी के भी माल में डाका नहीं डालना चाहिए किसी भी मुल्क में हमारे यहां फोकाहा हमारे हमारे फोका हमारे महराज एजाम ये कहते हैं कि जिस मुल्क में भी रहो वहां के कानून के मुताबिक तुम्हें जिंदगी बसर करनी है क्योंकि अखलाक का यही तकाज़ा है इमाम खुबैनी रिजवान तब पैरिस में थे तो एक पैरिस से हटकर एक इलाका था जो तकरीबन देहात जैसा था वहाँ जिंदगी बसर करते थे तो एक आदमी ने कहा आज मैं आपको आपकी दावत कर रहा हूं और आपको उस जमाने में बहुत कम हलाल गोश्त मिलता था कब मैं अपने हाथ से झिबा करके एक बकरा तैयार करूँगा भूनूँगा उसका गोश्त और आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो अपने हाथ से होगा इतना पाक और इतना हलाल होगा इमाम खुमैनी ने पूछा कि ये बताओ कि क्या तुम अपने हाथ से झ़िबा कर सकते हो तो इन मुल्कों में इजाज़त है इसकी कहा नहीं इजाज़त तो नहीं है लेकिन मैं अपने गार्डन में चोरी छुपी ऐसा काम करके लाऊँगा हिमाखुम तो ने कहा कि फिर वो मेरे लिए हलाल नहीं है अगर इस मुल्क में ये कानून नहीं है कि आप अपने हाथों से अपने किसी गार्डन में बैठ के किसी जानवर को िबा करें आपने चोरी छुपी कानून को वायलेट करके तोड़ के अगर आपने िबा भी किया तो वो हलाल नहीं है हमारे मराजे और हमारे फ़काम हमें यह तालीम देते हैं कि तुम जहाँ जाओ अखलाक करीम के साथ ज़िंदगी बसर करो ये तो क्या है दो रोज़ की दुनिया है पैसा कोई ज़्यादा आएगा किस में इतनी बरकत है पैसों में कि हम जो है उससे आबाद हो जाएंगे और अक्सर जो बेनिफिट्स पर गुज़ारा करते हमेशा रसुआ गुजारा करते कभी उनके अंदर सुरख रुई नहीं होती उनके अंदर कोई तरक्की नहीं होती कभी वो मालदार नहीं बने हमें सोचना चाहिए सही रास्ते पर चलना चाहिए और ये बात जो हमारे भाई ने बताई है कि 99% परसेंट मैं ये जसारत नहीं करता हूँ लेकिन जो करते हैं गलत करते हैं उन्हें फ़ौर तोबा करनी चाहिए और उन तमाम पैसों का जो उनका हक नहीं था उनको किसी अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए जो उनके लिए सही नहीं था जायज़ नहीं था सैयद साहब लुटन से एक थे ग़ैर मुस्लिम के पैसे गाड़ी में रह गए तलाश किया नहीं मिले तो मैं उन पैसों का क्या करूं? ये होते हैं अमीन ये होते हैं अमानदार ये होते हैं वो सोच रखने वाले कि जो इस्लामी और अखलाकी सोच रखते हैं अहलबार की तालीम का यह नतीजा है मैं उसको शाबाशी दूंगा कि जो कम अज़ कम ये सोचता है कि ये माल है किसी का मैं क्या करूँ उसको लेके मेरे भाई गैर मुस्लिम का हो या मुस्लिम का अगर वो मालिक नहीं मिलता है तो आप उसे उसकी उसके जरिए उसके नाम पर या उसके ज, 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 उसकी खातिर या उसके लिए आप किसी नेक काम में लगाएं चूंकि आप अपने लिए वो नहीं लगा सकते आपका वो अपना माल नहीं है ऐसे माल को कहा जाता है मजहुलमिल्क वो माल के जिसकी मिल्कियत मजहूल है मालूम नहीं है कि अब ये किसका है तो क्या करना है उसको राह खुदा में लगा देना है अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है वक्त हमारा तमाम हुआ चाहता है नाजरीन अल्लाह हमें हर बुराई से खासकर झूठ से के जो गुनाहों की जड़ है महफूज़ रखे ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा हम कंट्रोल करके खामोशी से नेक लोगों के साथ सच्चे लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करते हुए और अजाब और सज़ा को रोज़ रोज़ रोज अपनी निगाहों के सामने लाते हुए इसका इलाज करें ताकि हम बाकी गुनाहों से भी आसानी के साथ बच सकें अपना ख्याल रखिएगा और हमारे हक़ में भी दुआ कीजिएगा वालेक वरहुल्लि वर्कू